हर लड़की नहीं मुझे चाहिए एक मेरी जान तेरे आगे मुझे लगे सब फेक मेरी जान तेरी नजरों में शायद मैं कहीं पे ना दिखूं मेरी नजरों से खुद को तू देख मेरी जान। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा इस तरह की रील्स अभी के समय में इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही है। यदि दोस्तों आप भी ये वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करते हो तो दोस्तों आपकी रील्स भी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों आपको वीडियो में पूरे बने रहना है कि वीडियो आपको पूरा समझ आए। तो दोस्तों आप उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों हमें प्लस वाले आइकन पे जाना होगा। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पे जाना होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद दोस्तों हमारा ये वीडियो सेलेक्ट करना है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारे सामने प्रोसेसिंग होने लग गया है। कुछ समय के बाद दोस्तों हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों तब तक आप वेट कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा ही प्रोसेसिंग होने के बाद दोस्तों ये हमारे सामने आ जाता है। हमें इस वीडियो को सबसे पहले तो इस वीडियो के लास्ट में आ जाना होगा। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों ये ब्लैक बैकग्राउंड है, इसको डिलीट कर देना होगा। इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे वीडियो को देखना है कि कहाँ से स्प्लिट करना है। तो दोस्तों हम देखते हैं वीडियो को कहाँ से स्प्लिट कर देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमें यहाँ पे कहीं पे देखना है कि वीडियो को कहाँ से स्प्लिट करना है हमें। जैसा कि दोस्तों यहाँ से स्प्लिट कर लेते हैं, कैचो वाले ऑप्शन पर जाके स्प्लिट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद दोस्तों हमें सबसे पहले तो इसका ऑडियो म्यूट कर देना होगा। इसको म्यूट करने के बाद दोस्तों हमें फिर से प्लस वाले आइकन पे जाना होगा। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों हमारा एक वीडियो स्लो मोशन वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये हमारे सामने आ जाता है। हमें वीडियो को बीच में से कट कर देना होगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसका हमें ऑडियो म्यूट कर देना होगा और इसका भी कर देना होगा। इसको करने के बाद दोस्तों हमें वीडियो को फेस्टर में आके म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाना होगा। म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद दोस्तों प्लस वाले आइकन पे जाना होगा। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों वीडियो फ्रॉम वीडियो पे जाना होगा। सॉरी, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों वीडियो का ऑडियो हमें लेना है तो दोस्तों यहाँ से ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों हमारा वीडियो यहाँ पे ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाँ, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे आना है और इस वीडियो की बराबर इस ऑडियो के बराबर वीडियो रखना है और एक्स्ट्रा पार्ट को स्प्लिट कर देना होगा, डिलीट कर देना होगा। यहाँ से डिलीट करने के बाद दोस्तों प्लस वाले आइकन पे जाना होगा। प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद दोस्तों ये जूम आउट वाला इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा और इसका ड्यूरेशन रख देना होगा, बीच में रख देना होगा। इसको करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना होगा और इनमें से एक इफेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि दोस्तों मैं इनमें से एक इफेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि दोस्तों मैं ये कर लेता हूँ। इसको करने के बाद दोस्तों हमें वीडियो के फर्स्ट में आके वीडियो को ओपन करके देखना है कि वीडियो हमारा कैसा बना है। तो गाइज आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों वीडियो को सिंपली से सेव कर लेना होगा।